असलम हेलो एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट जॉनरा एनालिसिस जॉनरा एनालिसिस का कंसेप्ट क्या है डिस्कोर्स स्टडीज़ में सो so, टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड द वर्ड जॉनरा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फ्रेंच ओरिजिनली लैटिन वर्ड फॉर काइंड और क्लास जिसका मतलब है काइंड और क्लास जॉनरा का क्या मतलब है काइंड या क्लास The word has recently been widely used in various fields. In fields, it is used rhetoric, ho gay, literary theory, media theory, and linguistics. Mein. means her field fields, the concept is different. Genres are ways in which people get things done through their use of spoken and written discourse, like text messages, emails, phone calls, etc. योनरा एक ऐसा रास्ता है जो लोग यूज़ करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए मतलब गेट थिंग्स डन कि अपना काम निकाले अब किस तरह वो चाहे स्पोकन फॉर्म में हो या रिटर्न फॉर्म में हो या रिटर्न डिस्कोर्स में हो या स्पोकन डिस्कोर्स में हो उसमें हमारे पास टेक्स मैसेजेस आते हैं ई आते हैं फोन कॉल्स आते हैं ई जब आप किसी को कॉल करते हो ओवियसली आपका कोई पर्पज़ होता है उसे कॉल करते हो ईमेल किसी को लिखते हो तो ओबियसली आपका एक पर्पज़ होता है आप आपने अपना कोई काम निकलवाना होता है उससे या मैसेज करते हो तो आपका कोई पर्पज़ होता है सो ये सब क्या है ये यौनराज है अब हमारे पास जब बात करते हैं यौनराज की तो हमारे पास दो टाइप्स के की योनराज रिटर्न और स्पोकन स्पोकनराज रिटर्न यानराज में हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट्स हो गए न्यूज़ आर्टिकल्स हो गए स्टोरीज हो गए ई मेल्स हो गई पोइम्स हो गई और साथ में एकेडमिक एसेज सो so, यौनरा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जब आप लिटरेचर में पढ़ते हो कि जो ड्रामा है, नावल है, पोए है, ये सब यौनराज है ओबियसली ये सब भी यराज है लेकिन यनराज स्पोकन भी होते हैं और रिटर्न भी होते हैं। जैसे यहाँ पे रिटर्न में रिसर्च रिपोर्ट्स हो कि न्यूज़ आर्टिकल स्टोरीज ईमेल्स पोएम्स एंड एकेडमिक एसेज इसी तरह हमारे पास स्पोकन यानराज में प्रेजेंटेशंस हो गई स्पीचेस हो गई इंटरव्यूज हो गई एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन अब जब मैं मतलब सपोज कोई आप तो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो तो ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन इनके दरमियान जो होती है उसको भी हम या कहते हैं इट इज़ एम्प्लॉय टू एनालाइज दा ऑफ बोथ औरल एंड रिटर्न टेक्स्ट अब या जैसे मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि जब आप को एनालाइज करते वो हो वो जस्ट लिटरेचर से रिलेटेड हो मतलब कोई पोएम हो कोई ऐसे हो या कोई आ, ड्रामा हो नावल हो नो यू कैन एनालाइज स्पोकन एज वेल एज रिटन टैक्स ऑफ यानराज यानरा इज़ अ टर्म यूज टू क्लासीफाई स्पोकन और रिटन डिस्कोर्स टाइप्स यहाँ पे भी यही बात की गई कि इसमें आप दोनों चीज़ों को एनालाइज करते हो चाहे स्पोकन हो और रिटन हो दीज आर नॉर्मली क्लासिफाइड बाई कंटेंट इसका कंटेंट देखा जाता है इसका कंटेंट को एनालाइज किया जाता है लैंग्वेज किस टाइप की यूज़ की गई उसको आप एनालाइज़ करते हो उस टेक्स्ट को जो लिखा गया है उसका पर्पस क्या है उसकी फॉर्म क्या है किस तरह फॉर्म यूज़ की गई है अब लर्नर्स एनालाइज एन एग्जांपल ऑफ अ फॉर्मल लेटर ऑफ कंप्लेंट लुकिंग एट स्ट्रक्चर अब जब आप सपोज किसी लेटर को एनालाइज़ करते हो तो आप उसमें कंप्लेंट देखते हो लुकिंग एट स्ट्रक्चर देखते हो उस लेटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखते हो उस लेटर में किस टाइप के फ्रेजेज यूज़ किए गए हैं फॉर्मलिटी देखते हो और उस लेटर का जो लास्ट में होता है पर्पस देखते हो कि वो पर्पस क्या है उस लेटर को लिखने का अब यहाँ पे सवाल हो हमारे पास है कि व्हाट इज़ बाय मैंट एनालिसिस। यनालिस एनालिसिस इज़ अ वे ऑफ अ टाइप और स्टाइल ऑफ राइटिंग टू बेटर अंडरस्टैंड द कन्वेंशनस एक्सपेक्टेशपज एंड ऑडियंस फॉर द फ़ॉर दैट योरा तो हमारे पास जो या एनालिस है ये एक वे होती है किसी भी रिटर्न टेक्स्ट को उसके जो स्टाइल होता है उसको एग्ज़ैमिन करना टू बेटर अंडरस्टैंड उसको मतलब उसकी बेहतर समझने के लिए उसको बेहतर समझने के लिए द कन्वेंशंस एक्सपेक्टेशंस उसका पर्पज़ और किस टाइप के जो ऑडियंस है उसको टारगेट किया गया है टार मतलब टार ऑडियंस से मुराद को फीमेल को टारगेट किया गया है मेल को टारगेट किया गया है या चाइल्ड जो चिल्ड्रन हैं उनको टारगेट किया गया है तो ये सब चीज़ें आपने देखने होते हैं जब आप किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज़ करते, करते हो किसी भी को एनालाइज करते हो सपोज़ आप जब आ, पोएम को एनालाइज करते हो या नावल को एनालाइज करते हो तो आपने उसमें बहुत कुछ देखना होता है उसकी सेटिंग उसका पर्पज़ उसकी जो राइटर है उसकी एक्सपेक्टेशन ये सब कुछ आपने देखना होता है अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन पॉइंट्स की बेस पर आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी पोएम को किसी भी नावल को किसी भी ड्रामे को जो है एनालाइज़ करते हो होते दीज पॉइंट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट और यही पेपर में आप लोगों ने लिखने भी हैं अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए द सेटिंग ऑफ द टेक्स्ट सबसे पहला पॉइंट अब सपोज प्राइड एंड क्रिजिडस को आप पढ़ रहे हो प्राइड एंड क्रिजडस में उसकी सेटिंग कब हुई है 18th एटीन सेंचुरी में हुई है ये देखना होता है तो ये सब कुछ क्या है ये सेटिंग में आता है उस वक्त की सूरत हाल क्या थे एटीन सेंचुरी के तो ये सेटिंग में आता है ये आपने देखना होता है दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है द फोकस एंड परस्पेक्टिव ऑफ द टेक्स्ट मतलब इस टेक्स्ट में किस चीज़ को फोकस किया गया कौन सी इश्यू को फोकस किया गया इस टेक्स्ट का जो है परस्पेक्टिव क्या है तीसरा पॉइंट हमारे पास है द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट अब सपोज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो इसका कोई परपज़ होता है इसी तरह जो राइटर जो कुछ भी लिखता है या जो लिख मतलब जो कुछ भी आपके सामने होता है इसका कोई ना कोई पर्पस होता है तो ये आपने देखना होता है ये सब कुछ आपने एनालाइज़ करना होता है तभी इसको हम एनरा एनालाइजेशन कहते हैं या एनरा एनालाइज कहते हैं फोर्थ पॉइंट हमारे पास है द इंटेंटेड ऑडियंस फॉर द टेक्स्ट देयर रोल एंड पर्पस इन रीडिंग द टेक्स्ट अब यहाँ पर ऑडियंस की बात की गई है कि जो ऑडियंस है वो क्यों मतलब उस टेक्स्ट को पढ़ती है और उसका क्या रोल है इसी तरह जो इंटेंडेड ऑडियंस फॉर द टेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है द रिलेशनशिप बिटवीन राइटर्स एंड रीडर्स ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पे रिलेशनशिप की बात की गई है रीडर और राइटर का क्या रिलेशनशिप है जब वो टेक्स्ट लिखता है या मतलब सपोज किसी ने भी टैक्स लिखा है किसी राइटर ने तो उसका रीडर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है सिक्स पॉइंट हमारे पास है एक्सपेक्टेश कन्वेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स फ़ॉर द टेक्स्ट अब यहाँ पे मतलब ये बात की गई है कि सपोज कोई टेक्स लिखी गई है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है अपने ऑडियंस से कन्वेंशंस क्या है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है मतलब वो राइटर क्या चाहता है अपने ऑडियंस से द बैकग्राउंड नॉलेज बैकग्राउंड नॉलेज इम्पॉर्टेंट है वैल्यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग इट इज़्यूम्ड द रटर शेयर विद देयर रीडर्स इंक्लूडिंग वट इज़ इम्पोर्टेंट टू द रीडर एंड वट इज़ नाट अब यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये भी देखता है वो ये भी शेयर करता है कि मेरे जो रीडर हैं जो मेरी ऑडियंस है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब आप इसको एक किस्म का ये भी कह सकते टारगेटेड ऑडियंस किस टाइप की ऑडियंस को जो है राइटर टारगेट करता है लास्ट पॉइंट हमारे पास है द रिलेशनशिप द टेक्स्ट हैज़ विद अदर टेक्स्ट। अब रिलेशनशिप किस चीज़ का जो टेक्स्ट लिखी गई है उस टेक्स्ट का रिलेशनशिप किसी और टेक्स्ट के साथ कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं ये भी आपने एनालाइज करना होता है सो so, ये पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल